और पृथ्वी के चारों ओर और हमारे सर के ठीक ऊपर करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे समताप मंडल कहते हैं, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। और साइंटिस्ट ने खुलासा किया है कि पिछले 40 सालों में ये उसकी ऊंचाई 402 मीटर कम हो गई है। क्या है कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। पर्यावरण में कई तरह के बदलाव देखे जाने लगे हैं। इसी बीच विशेषज्ञों ने कुछ और चौंका देने वाले खुलासे कर दिए। बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि हर 10 साल में स्ट्रेटोस्फीयर की 100 मीटर ऊंचाई कम हो रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी धरती के चारों तरफ घूमते हुए सैटेलाइट्स को होगा। दरअसल धरती के ऊपर 12 किलोमीटर से लेकर करीब 49.88 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये स्ट्रेटोस्फीयर होता है। आमतौर पर आसमान की इस हवाई परत में सुपरसोनिक विमान और मौसम की जानकारी देने वाले गुब्बारे घूमते हैं, लेकिन एक नई रिसर्च के मुताबिक हमारी धरती के चारों तरफ मौजूद ये हवाई परत की मोटाई पिछले 40 सालों में 402 मीटर कम हो गई है। साइंस जर्नल एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक स्टडी में बताया गया है कि इसकी सबसे बड़ी वजह इंसानों द्वारा पैदा किया जा रहा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, क्योंकि जितना प्रदूषण होगा उतने ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी और जीवाश्म आधारित ईंधनों के जलने और उपयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड धरती के सबसे निचली हवाई परत यानी ट्रोपोस्फीयर में घुस चुकी है और ये परत सूरज से आने वाली रोशनी को वापस अंतरिक्ष की तरफ परावर्तित कर रही है, जिसकी वजह से धरती गर्म हो रही है। और जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जाएगा, वैसे ही धरती सूरज से ज्यादा गर्मी सोखेगी, जिसकी वजह से समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर तक गर्मी नहीं जा पा रही है। स्ट्रेटोस्फीयर लगातार ठंडी हो रही है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर लगातार स्ट्रेटोस्फीयर ठंडा होता जाएगा, वैसे ही उसमें मोटाई कम होने लगेगी। तो वहीं 1960 से लेकर 2010 तक स्ट्रेटोस्फीयर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, और अगर वर्तमान गति से ग्रीन हाउस गैस निकलती रही या बढ़ती रही तो स्ट्रेटोस्फीयर और तेजी से घटने लगेगा। नई स्टडी के मुताबिक साल 2080 तक स्ट्रेटोस्फीयर करीब 1.60 किलोमीटर और पतला होने की भी अनुमान जताए जा रहे हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर के पतला होने से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि अगर इस तरह से स्ट्रेटोस्फीयर कम होता रहा तो इसका सीधा असर जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम, रेडियो कम्युनिकेशन और धरती के चारों ओर घूम रही सैटेलाइट्स की ट्रेजेक्ट्री में गड़बड़ी आ जाएगी। इसे ऐसे समझे कि अगर धरती एक मल्टी लेयर वाला केक है तो ट्रोपोस्फीयर सबसे निचली परत है और यहीं पर नागरिक विमान उड़ते हैं। जहां पर ट्रोपोस्फीयर अपनी ऊपरी परत स्ट्रेटोस्फीयर से मिलती है उसे ट्रोपोस कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मीसोफीयर कहते हैं और ये ऊपरी एटमोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच की लेयर है जो करीब 80.46 किलोमीटर चौड़ी है। इसके बाद आती है ऊपरी एटमॉस्फेयर जो कि 708 किलोमीटर चौड़ी होती है। इसके अंदर ही थर्मोस्फेयर आता है। इसी थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन घूम रहे हैं। इसके बाद आता है आयनोस्फेयर। इस नई स्टडी के मुताबिक स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपरी लेयर और निचली लेयर के बीच की सीमाएं यानी ट्रोपोस और स्ट्रेटोस को लगातार एक दूसरे के नजदीक आने लगी है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर सिकुड़ रहा है और साल 1980 के बाद ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। वहीं स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई घट रही है, यानी मल्टी लेयर केक में से एक लेयर कम हो रही है। और शोधकर्ताओं के मुताबिक स्ट्रेटोस्फीयर को तभी बचाया जा सकता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सके। पिछले साल ही पूरी दुनिया में लॉकडाउन के बावजूद सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ था। नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस के निदेशक गोविंद शिम्प ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेटोस्फीयर को ठंडा कर रही है। जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तुरंत ही एटमॉस्फेयर का आकार भी छोटा हो जाएगा। तो वहीं ये किसी प्राकृतिक संकेत से कम नहीं है कि हमें बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करना होगा और गंभीरता के साथ इस ओर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज़।